हेलो दोस्तों, कैसा है आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। आज का इस वीडियो में हम बताएंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में। टाइटैनिक, द अनसिंकेबल शिप दैट मेट ट्रेजिक डेस्टिनी। परिचय, 20वीं सदी की शुरुआत में शानदार आरएमएस टाइटैनिक को एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में प्रचारित किया गया था, जो आधुनिक नवाचार और समृद्धि का प्रतीक था। अपनी भव्यता और अकल्पनीय जहाज की प्रतिष्ठा के साथ यह अपने यात्रियों और चालक दल के सपनों को लेकर अप्रैल 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला। हालांकि भाग्य की कुछ और योजनाएं थीं और टाइटैनिक की दुखद मृत्यु समुद्री इतिहास की सबसे मनोरम कहानियों में से एक बनी हुई है। 1. निर्माण और डिजाइन। व्हाइट स्टार लाइन द्वारा कमीशन किए गए टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नौसैनिक वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज द्वारा डिजाइन किया गया टाइटैनिक इंजीनियरिंग कौशल का एक नमूना था। अपने विशाल आकार के साथ यह उस समय बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी और इसमें 9 डेक थे। 2. सुविधाएं और विलासिता। टाइटैनिक ऐश्वर्य और वर्ग भेद का प्रतीक था। अभिजात वर्ग के लिए खान पान यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, जिसमें प्रथम श्रेणी यात्री स्वीट्स, भव्य भोजन कक्ष, सुरुचिपूर्ण लाउंज, एक व्यायामशाला, एक स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और यहां तक कि एक स्क्वैश कोर्ट भी शामिल था। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के केबिन हालांकि अधिक मामूली थे, फिर भी उस युग के मानकों की तुलना में आरामदायक थे। 3. पहली यात्रा। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को लगभग 2200 लोगों की यात्री सूची के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ था। न्यूयॉर्क शहर की ओर जाने से पहले यह चेयरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, अब कोब, आयरलैंड में रुका। जहाज पर यात्री गतिविधियों में व्यस्त थे, मेल जोल बढ़ाते थे और अपने आसपास मौजूद विलासिता का आनंद लेते थे। 4. दुखद टक्कर। 14 अप्रैल 1912 की रात को आपदा आई, जब टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। अपर्याप्त सुरक्षा उपायों सहित कई कारकों के संयोजन के कारण प्रभाव के कारण जहाज के पतवार में कई घातक दरारें हुईं। इसके बाद कई डिब्बों में तेजी से बाढ़ आ गई। 5. अपर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं। टाइटैनिक त्रासदी के सबसे भयावह पहलुओं में से एक जीवन रक्षक नौकाओं की अपर्याप्त संख्या थी। यद्यपि जहाज लगभग 1200 लोगों को ले जाने में सक्षम था, लेकिन इसमें केवल 20 जीवन रक्षक नौकाएं थी, जो लगभग 1178 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। इस काम के साथ साथ उचित निकासी प्रोटोकॉल की कमी के कारण जीवन का ख्याल रक्षा था। 6. डूबना। जैसे ही टाइटैनिक तेजी से बर्फीले पानी के आगे झुक गया, चालक दल और यात्रियों को एक अकल्पनीय परीक्षा का सामना करना पड़ा। व्याकुल यात्रियों को शांत करने के प्रयास में जहाज के बैंड ने अत्यधिक बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध रूप से बजाना जारी रखा। हालांकि कुछ ही घंटों में टाइटैनिक डूब गया और अपने साथ 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली। 7. परिणाम और विरासत। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, जिससे समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इसने पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाओं, अनिवार्य सुरक्षा अभ्यासों, बेहतर संचार प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस त्रासदी ने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को भी जन्म दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि टाइटैनिक की यादें कभी धुंधली नहीं होंगी। निष्कर्ष, टाइटैनिक, जिसे कभी मानवीय प्रतिभा के अविनाशी चमत्कार के रूप में देखा जाता था, का दुखद हश्र हुआ, जो आज भी दुनिया भर के दिलों को मोहित और छू रहा है। टाइटैनिक की कहानी हमें जीवन की नाजुकता और भविष्य की यात्राओं पर निकलने वालों की सुरक्षा और भलाई के लिए पिछली गलतियों से सीखने के महत्व की याद दिलाती है।